नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। जी हाँ, सेशन 2022-23 के फोरम यहाँ पे शुरू हो गए हैं। थोड़े ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बारे में सारी जानकारी जो होती है कालीबाई भील योजना की, जो होती है स्कूटी योजना की, उसकी सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी थी कि जल्द ही इसके फोरम आएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो उसके बाद में अब दूसरा वीडियो उसी सेशन का ये ध्यान रखें, 2022-23 का ये वीडियो हमने डाला है। आज का जो वीडियो है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में कालीबाई भील योजना के साथ में होने वाला है, यानी कि सारी डिटेल्स इस योजना से रिलेटेड जो सवाल आपको हो सकते हैं। फोरम इसके चालू हैं, कब से फॉरम भरे जाएंगे, कौन कौन फॉरम भर सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, योग्यता भी इसमें RBSC CBSE की अलग अलग योग्यता होती है परसेंटेज के हिसाब से, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने वाले हैं, स्कूटी मिलेगी या फिर 40,000 रुपये मिलेंगे या फिर दोनों मिल सकते हैं या फिर एक भी नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। क्या है प्रक्रिया, स्कूटी किस हिसाब से मिलेगी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, टोटल जो स्कूटी मिलती है उसमें SC ST वालों को ज्यादा मिलती है, बाकी लोगों को कम मिलती है, EWS वालों को मिलती है, उसको किस हिसाब से स्कूटी मिलेंगी, ये सारा वीडियो कंप्लीट डिटेल्स आपको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का होने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, कब से फॉर्म चालू है, क्या क्या करना है, आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, सेशन 2022-23 के फॉर्म, काफी लंबा इंतजार यहाँ करना पड़ा आपको भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का, लेकिन यहाँ पे फॉरम शुरू हो गए हैं। अब फॉरम की बात करूं तो ऑनलाइन फॉरम आपके 20 अक्टूबर से आपके 30 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे। फॉरम कहाँ से भरना है, अब एक चीज ध्यान रखो, समय है आपके पास, एक महीने का समय आपको दिया गया है, दिवाली के बाद से आप फॉरम भरें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉरम में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फॉरम रिजेक्ट होता है, बाकी योजनाओं में फॉरम रिजेक्ट होने का थोड़ा सा नहीं रहता इतना वो, लेकिन इसमें फॉरम रिजेक्ट हो जाता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक बार ही वेरीफाई करें अच्छे से कि आपको दिक्कत ना हो। तो 30 नवंबर अंतिम तिथि है, सोच समझ के फॉरम आपको भरना है, सारे डिटेल्स आपको सही से भरनी है। फॉरम कहाँ से भरना है, SSO ID के माध्यम से फॉरम भरना है, SSO ID पर आपको पोर्टल दिया हुआ है, वहां से आप अपना फॉरम भर पाएंगे। SSO ID पर अलग ही पोर्टल आपको छात्रवृत्ति का दिया हुआ होता है, वहां से आप फॉरम भर सकते हैं। अब देखो कौन कौन फॉरम भर सकता है, कुछ जो छात्रवृत्ति होती है उनमें क्राइटेरिया होता है कि जैसे देवनारायण में होता है कि गुजर जाति के लोग फॉरम भर सकते हैं, बाकी में और भी क्राइटेरिया होता है, और जो स्कूटियां होती हैं उसमें क्लासेस का क्राइटेरिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, यह कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना छात्राओं के लिए होने वाली है, स्कूटी छात्राओं को ही मिलती है। अब इसमें कौन कौन भर सकता है, तो इसमें सभी जाति के फॉरम लगा सकते हैं, यानी कि इसमें जनरल का भी फॉर्म लगा सकता है, ST का भी फॉर्म लगाएंगे, SC वाले भी फॉर्म लगाएंगे, और जो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपके बात करूं EWS वाले, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, SC ST OBC सब फॉर्म इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जाति के फॉर्म इसमें लगा सकते हैं। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया कौन कौन भर सकता है, लेकिन इसमें योग्यता का थोड़ा सा है, योग्यता आपको बता देता हूं, दो चीजें हैं योग्यता में, RBSC और CBSE, दो बोर्ड होते हैं आपके 12th में, तो 12th में आपके CBSE में तो आपकी 75% होनी चाहिए, अगर आप CBSE से 12th किया है तो आपकी 12th में परसेंटेज 75% होनी चाहिए, तो ही आप फॉरम लगा पाएंगे। फॉरम भरने का क्राइटेरिया है, ये फिक्स परसेंटेज नहीं है कि 75 के बाद वालों को मिल ही जाएगी, केवल 75 से ऊपर वाले तो फॉरम लगा सकते हैं इसमें, उसके बाद में मेरिट के आधार पर आपको स्कूटी मिलती है। बात करें CBSE की तो यहाँ पे होती है 65%, 65% से ऊपर वाले फॉरम लगा पाएंगे, चाहे 1% कम हुआ तो भी फॉरम नहीं लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो योग्यता तो हो गई आपकी RBSE वालों के लिए 65%, CBSE वालों के लिए 75%, और कौन कौन फॉरम भर सकता है, जिसने हाल ही में 12वीं पास किया। एक सवाल रहता है कि 12th के बाद में काफी लोग गैप दे देते हैं, उसके बाद में अब उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर में, तो उनको ये स्कूटी नहीं मिलेगी, गैप वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा सबसे बड़ा ये रहता है इसमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में, कि जैसे देवनारायण स्कूटी योजना में तो साफ कहा गया है कि आप अगर देवनारायण स्कूटी योजना का फॉर्म भरते हैं तो आपको बाकी किस कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन कालीबाई स्कूटी योजना में थोड़ा सा अलग है, आपको यह भी मिलेगी स्कूटी, अगर आप मिलती है तो आपको स्कूटी तो प्रायोरिटी है ही, बाकी और किसी छात्रवृत्ति का फॉर्म भी लगा सकते हैं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। बात करें आवश्यक दस्तावेज की, तो देखो यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपकी मांगी जा रही है। अब एक नोटिस आपको मैं दिखाता हूँ,
नोटिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। चौथे नंबर का पॉइंट आप पढ़ेंगे, चौथे नंबर के पॉइंट में भी आपको 7 खंड दिए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग, एससी एसटी ओबीसी उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग काफी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक चीज ध्यान रखें, डिपार्टमेंट है कि आपको इसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, एससी वालों के लिए अलग एसटी वालों के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बीच में ऐड है, 10th क्लास, यानी कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा विद्यार्थी छात्रा विद्यार्थी जिसने 10th क्लास में 65% आरबीएससी से पास किया है या तो या फिर सीबीएसई 75% से पास किया है और एसटी की छात्रा है, एसटी कैटेगरी मात्र एक कैटेगरी को यहाँ पे लिया गया 10th क्लास वालों के लिए, अगर वो फॉर्म लगाते हैं तो उनको 11th क्लास में स्कूटी मिल जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे स्पेशली कहा गया 10th क्लास वालों के लिए, जो आपको बता रहा हूं मैं नोटिस में जैसा लिखा गया। दूसरा दस्तावेज की बात करते हैं हम, तो आपकी जो 10th और 12th की तो मार्कशीट हो गई, आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज हुआ प्राइवेट कॉलेज हुआ, अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड वाले बीकॉम बीएड वाले भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, आपके लिए भी इसमें अच्छा मौका है, स्कूटी आपको मिल सकती है, फॉर्म जरूर लगाना। आवश्यक दस्तावेज में 10th और 12th की मार्कशीट, जो आपका कॉलेज है उसका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, फीस की रसीद, जो एडमिशन फीस है उसकी रसीद होनी चाहिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आयकर। आयकर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, 2.5 लाख रुपए आपकी वार्षिक, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आयकर आपका बनेगा वो 2.5 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, ऐसा आयकर बनाना है आपको। आयकर इसमें अपलोड होता है, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र जिस भी जाति से हैं आप, ये सारे आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और स्कूटी या 40,000 रुपए, अब सवाल ये 40,000 रुपए किसको मिलते हैं वो बता देता हूँ। स्कूटी तो जो फॉर्म लगाएगा उसके बाद में मेरिट आएगी, उसके हिसाब से स्कूटी मिलने के चांस रहेंगे। अब स्कूटी कितनी मिलती है, ये सवाल दोनों एक ही है, आपको मैं बता देता हूँ, स्कूटी मिलती है 10,050 स्कूटी वितरण होंगी पूरे राजस्थान में। अब इसमें क्या होता है, स्कूटी आपको जैसे बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, उसमें भी एसटी के स्टूडेंट है, उसमें एससी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, तो उसमें बांटा जाता है कि 2000 विद्यार्थी तो एससी के हो गए, 1500 विद्यार्थी बाकी के हो गए, 600 विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के हो गए, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, यानी कि बीए का संकाय अलग हो गया, बीएससी का संकाय अलग हो गया, बीकॉम का अलग हो गया, ऐसे 10,050 स्कूटी टोटल है, ये बट जाती है, सेक्शन में बढ़ती है, पहले तो भाई आपको कहाँ जाना है, बीए में जाना है, बीएससी में जाना है, बीकॉम में जाना है, फिर उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी इन सभी में जैसे आपका जो भी क्राइटेरिया होता है ईडब्ल्यूएस उसके अंदर वो बट जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। मेधावी छात्रा स्कूटी लिखा हुआ है तो आपकी परसेंटेज इसमें बहुत मायने रखने वाली है, मेधावी छात्राओं की भी ऊपर लिस्ट देखने को मिलती है। तो स्कूटियों का वितरण यहाँ पे हो गया। अब 40,000 रुपए वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में आपको मैंने बताया 10th क्लास वाले, किसी को 10th क्लास में, यानी पिछली बार भी आपने फॉर्म लगाया, कोई 10th क्लास में था तब उसने किसी ने फॉर्म लगाया हो और उसने स्कूटी ले ली 10th क्लास में ये, तो उसको दोबारा स्कूटी नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगा, 40,000 रुपए मिलेंगे। अब अगर वो कॉलेज में आके भी स्कूटी के लिए आवेदन करता है तो उसको स्कूटी नहीं, उसको 40,000 रुपए मिलेंगे। ये सरकार की योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अगर आप 10th क्लास में भी स्कूटी लिए हैं तो आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, स्कूटी नहीं मिलेगी कॉलेज में, यानी एक विद्यार्थी को दो स्कूटी नहीं मिलने वाली है। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं, फॉर्म लगाना है सबसे पहले, उसके बाद में फॉर्म लगाने के बाद में एक अस्थायी वरीयता सूची आपकी जारी होती है, उसमें आपका नाम आता है, आपको मौका मिलता है 10 से 15 दिन का कि आप अपना नाम वगैरह डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हैं डिटेल्स वगैरह सारी चेक कर लें, कोई गलती है तो आप उसको सही करवा सकते हैं, 10 दिन का समय आपको दिया जाता है। ये फॉर्म भरने के बाद में 1-2 महीने बाद में लिस्ट आती है, तो 30 नवंबर तक तो आपको केवल फॉर्म भरना है, उसके बाद में जनवरी में आसपास आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, उस लिस्ट में आने के बाद में पहले आएगी अस्थायी सूची, उसके बाद में आएगी स्थायी सूची, फाइनल मेरिट जिस जिसका नाम आएगा जिस जिसको मिलेगी, क्योंकि वो फिर बट के आएगा किसमें, आपका कैटेगरी सेक्शन के हिसाब से बट के आएगा कि इतने लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, टोटल स्कूटी मिलेंगी कितनी, 10,050 स्कूटी मिलेंगी। तो आपके सवाल इतने हो सकते थे, जितने भी इस योजना से रिलेटेड आपको फॉर्म मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का, उसमें बताया था, जैसे ही फॉरम आएंगे कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको दूंगा, तो आपको ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो यहाँ पे दिया है, ध्यान रखें फॉरम जरूर लगाना है। पिछले सेशन की कट ऑफ देख लेंगे, मैंने हाल ही में टेलीग्राम पर डाली है, पिछले 5 दिन पहले ही लिस्ट आई है, अंदाजा लगा लेना किन किन का वापस मिल सकती है स्कूटी, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम भी देखने को मिली है इस बार, तो ध्यान रखें फॉरम जरूर लगाना है। फॉरम से रिलेटेड कोई समस्या आए तो चैनल पे कमेंट कर देना, कोई सवाल इस संबंधित रह गया हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपना जवाब
भेज सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनली जवाब मैं देने वाला हूं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और स्कूटी जरूर लेनी है तो फॉर्म लगाना है 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक। छात्राओं के लिए है तो अपने परिचित जो भी हैं उनको वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्कूटी में आप हिस्सा लेवें। आपको मिलने वाली है बहुत ज्यादा अच्छी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पे 65% है और सभी जाति के विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। छात्रा विद्यार्थी जो भी हैं सभी फॉर्म लगा सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है स्कूटी लेने का। ज्यादा कुछ इसमें आयकर जो है 2.5 लाख रुपए तक का ही है और 10,000 स्कूटियां कम नहीं होती हैं, ये ध्यान रखें। तो कंपटीशन आपका पूरे राजस्थान में हर कैटेगरी के और हर सेक्शन के हिसाब से होने वाला है। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा, जैसे अभी हमने फॉर्म भरने का वीडियो बनाया है कि आज से फॉर्म चालू है, तो उसके बाद में फॉर्म के बाद में आपको लिस्ट भी देखने को मिलेगी, अस्थायी भी, फाइनल भी। और जब आपकी स्कूटी मिलेगी, स्कूटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको स्कूटी में मिलने वाला है, स्कूटी के साथ में आपको 5 साल का बीमा भी मिलता है, हेलमेट भी मिलता है, 2 लीटर पेट्रोल भी मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं स्कूटी के साथ में। तो इन सभी का जैसे जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें आपको आने वाले समय मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, सब बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।